हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम श्री रामचंद्र जी की स्तुति के साथ में आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मना, अरुण भव भय कारुण, नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंदारु, कांदर्प अगणित नित छवि नव नील नीरव सुंदर, पट पीत मान तड़ित रुचि श्रुति नौमी जनक सुखांगन, भजो दीन बंधु दिनेश धाम नित्य वंश निंदन, रघुनंद आनंद कंद कौश नंद दशरथ नंद, श्री मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग भूषण, आजान भुज शर चाप धर राम दूत कर इति वदति तुलसी दास शंका शेष मुनिजन, मम हृदय कांजनि वास कुरुपा दल दल गंगन, मन जाहि राच करुणा निधान सुजान शील सावत, हे भाति गौरी अशीष सुनिशी मैत्रिय, तुलसी भवानी पूज पुनि जानी गौरी अनुकूल कर, मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर लगे सियावर नाम चंद्र की। श्री रामचंद्र जी की वंदना के साथ शुरू करेंगे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, पांडो महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथ, दक्षिणे लक्ष्मणो धनवी वामतो जानकी शुभा, पुरुतो मारुति तस्य तम नमामि रघुत्तम, सियावर रामचंद्र की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे भगवान रामचंद्र जी के जन्म की कथा का श्रवण कर रहे थे और उससे संबंधित जो तुलसीदास जी ने गाया है
भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्य हरि, सारा गाया। हमने श्रवण किया था कि किस तरह से दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, उससे उत्पन्न जो शंगी में शंग ऋषि उन्होंने जो खीर दी, उस खीर को चार भागों में बांटा गया। पहले दो हाफ किए गए, पहला आधा भाग कौशल्या को दिया गया, दूसरा आधा भाग के फिर दो भाग किए, एक एकई को दिया, फिर सुमित्रा को दिया, फिर उसके दो भाग किए। इस तरह से जो है इस प्रकार से हम देखेंगे चार पुत्र उत्पन्न हो गए जो भगवान के अंश अवतार हैं। पहले भगवान अपने चतुर्भुज रूप में आते हैं, लेकिन माता बोलती है ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। कौशल्या माता बोलती मेरे लिए पर सुख का परम अनुपम होगा। यह सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। फिर तो उस जाज कहते हैं जो इस चरित्र का गान करते हैं उसे हरि का पद पाते हैं, संसार रूप में कूप में नहीं गिरते। आज हम स्टार्ट करेंगे अगले से। विप्र धेनु सुर संत हिता, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार, सियावर रामचंद्र की। ब्राह्मण गो देवता संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमय मलिना माया और उसके गुण और बाहरी भीतरी इंद्रियों से परे, उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बनाया भगवान का शरीर। सुनिशिशु रुदन परम ब्रियमानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जहता धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे की रोनी की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षितों का जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलत शरीरा, चाहत उठत हरत करत मत धीरा। राजा राजा दशरथ जी का पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गया। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, बुद्धि को धीरज देकर राजा दशरथ जी उठना चाहते थे, प्रेम में शिथिल होकर शरीर को संभाल कर उठना चाहते थे। इतना आनंद आया दशरथ जी को पुत्रों के जन्म का सुनकर। या कर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, परमानंद पुरी मन राजा, कहा बोला ही बजावो बाजा। जिनका नाम सुनते से कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए, यह सोचकर राजा का मन परमानंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर बोला बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गए वहकारा, आए द्विजन सहित नपदारा, अनुपम बालक देखन जाई, रूप रास गुण कहीं न सिराई। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा गया, वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। तो भगवान पुत्र के रूप में आए हैं, दशरथ के आनंद की कोई सीमा नहीं। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मनी, नृप विपण कह दीन, सियावर रामचंद्र की जय। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना गौ वस्त्र मणियों का दान दिया। ध्वज पता कतोरन पुर छावा, कहीं न जाए जय भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाशते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता।
आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न। ब्रंद ब्रंद मिल चली लोगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए हुए उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है स्त्री। करी आरती ने व छावरी करही, बार बार शिशु चरण ही परही। मागद सूत बंदी घन गायक, पावन गुण गावहीं रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागद सूत बंदी जन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्बस दान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताहू। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल भी थी न बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह बाज बधाव सुबह प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब चाहत हाँ, नगर नारी नर बृंद। सियावर रामचंद्र की जय। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे। केकई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन मत में भय हो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद अहिराजा। केकई सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या से रामचंद्र जी हुए, केकई सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। शुभ सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर सकते। अवध पुरी सो है भांति, प्रभु मिलन आई जनु राति। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवध पुरी प्रकाश शोभित हो रही थी, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वो मानो संध्या बनकर गिर गई। अगर धूप बहु जनु अधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। मंदिर मनी समूह जनु तारा, नृप ग्रह कलश सो इंद उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा उस वस की ललाई। महलों में जो मणियों के समूह वे मानो तारा गणे। राजमहल का जो कलश वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा। भवन भेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते ही जातन जाना। राजभवन की अति कोमल वाणी से जो वेद ध्वनि हो रही, वही मानो समय से सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट। ये सब बालकों की खुशी में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जन्म की खुशी में ये सब चल रहा। ये कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गया। एक महीना उन्हें जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया खड़े खड़े सूर्य को, किसी को पता नहीं लगा। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था के निशकवन विधि हो सियावर रामचंद्र की। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता था। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गया, और रात किस तरह से होती है पता नहीं लगा। यह रस काऊ नहीं जाना, दिन मन चले करत गुन गाना। देख महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन भर नर्तक निज भागा। यह रस किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और हूँ एक कहो निज चोरी, सुन गिरी जाति दृढ़ मति मोर तोरी। काक भुषुण संग हम दो, मनुज रूप जा नहीं नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी की बात कहता हूँ, सुनो। शिव जी बोलते, काक भुषुण्डी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप होने के कारण हमें कोई जान न सका। ये पार्वती जी को बात शिव जी बता रहे।
ये जन्म के समय शिव जी बोल रहे हैं, मैं भी वहां पे था, काकभुशुंडी भी था, हम दोनों साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथी न फिरती मगन मन भूले, यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जापर होई। परमानंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से गलियों में तन मन की सुधी भूले हुए फिरते थे, परंतु शुभ चरित्र वही जान सकता था जिस पर रामचंद्र जी की कृपा हुआ। यही अवसर जो जही विधि आवा, दीन भूप जो जही मन भावा, गजरथ तुरग हेम गो हीरा, दीने नृपना ना विधि चीरा। इस अवसर पर जो जो जिस प्रकार आया, जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गोए हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने इतना बांटा पुत्र को। मन संतोष समनी के जात देही असीस, सकल तनय चिर जीव हूँ, तुलसी दास के ईस सिया, बर राम चंद्र की जय। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, इसी से सब लोग जहाँ तक आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र जो चार राजकुमार चिरजीवी हों, दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिए दिन अरु राति, नाम करन कर अवसर जानी, भूप बोलिए पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ को बुला भेजा नामकरण के। जात कर्म संस्कार हो गया पहले, फिर नामकरण हुआ। तो पहले जो सारे संस्कार होते थे, इनी करी पूजा भूपति अस भाषा, धरिए नाम जो मुनि गुनि राखा, इनके नाम अनेक अनूपा, मेन रप कहब समति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, है मुनि आपने मन में जो विचार रखे हैं वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, राजन इनके अनेक अनुपम नाम है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। फिर वशिष्ठ जी नाम बताते हैं, जो आनंद सिंधु सुखदासी, सीकर तैत्र लोक सुपासी, जो सुख धाम राम अस नामा, आखिर लोकदायक विश्रामा। वे जो आनंद के समुद्र सुख की राशि हैं, और जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, सुख जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, आकर नाम भरत अस होई, जाके सुमरन तेर पुनासा, नाम शत्रुहन भेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण से शत्रु का नाश हो जाता है, उनका वेदों में प्रकाश शत्रुघ्न होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाता है, उनका नाम शत्रुघ्न हुआ। और जो संसार का भरण पोषण करते हैं, वो आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। इसके बाद जो सुल लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार, सियावर राम चंद्र की। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार है, गुरु वशिष्ठ ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। लक्ष्मण मतलब शुभ लक्षणों के धाम है, श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार है, गुरु वशिष्ठ ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्त्व प्रसव सतचारी, मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल के निरस ते ही सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर नाम रखे और कहा, हे राजन
तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने बाल लीला के रस में सुख माना है। मारे हित निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भरत शत्रुघ्न दून हूँ भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति पढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितेश स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति और जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है वैसी प्रीति होगी। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है वैसी होगी। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जन नीत्रन तोरी, चारियों शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा देखकर माताएं तृण तोड़ती थी, जिससे उनको नजर न लग जाए। यूं तो चारों ही पुत्र शील रूप गुणों के धाम थे, तो भी सुख के समृद्ध श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, कबहू छंग कबहू बर पलना, मात दुलार कहीं प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित, उनकी मन को हरने वाली हंसी उस हंसी कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती, कभी गोद में लेकर कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे लल्ला खाकर बुलाती। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद सियावर रामचंद्र की। जो सर्वव्यापक निरंजन निर्गुण विनोद रहित राजन्म भ्रम में वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रही। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दल नहीं बैठ जन मोती। उनके नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गया। रेख कुशल ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर ध्वनि सुनि मुनि मन मोहे, कटिके कनि उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जाने जय देखा। चरण तलों में ब्रज ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित। नुपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर तीन रेखाएं थी, नाभि की गंभीरता को तो सभी जानते हैं जिन्होंने उसे देखा। भुज विशाल भूषण जुट भूरी, ये हरि नख अति शोभा रूरी, उर मनिहार परिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं, हृदय पर बाघ के नख की बहुत निराली छटा है, छाती पर रक्तों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंभुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छबिलाए, छाए दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को पर में प्यारे। कंठ जो इस शंख के समान और थोड़ी बहुत सुंदर है, मुख पर असंख्य कामदेव की छटा छारे, दो दो सुंदर दतुलिया है, लाल लाल होंठ नासिका और तिलक का तो वर्णन कौन कर सकता। सुंदर श्रवण कुछ सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोत्र बोला, चिक्कन कचकुंचित गबू आ रहे, बहु प्रकार रचि मात सवार। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है, मधुर तोतले शब्द बहुत प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया। पीत झगुलिया तनु पहराए, जानु पान बिचरणी मोहि भाई, रूप सकई नहीं कहीं श्रुति से सा, सो जा नहीं सपने मुझे देखा। शरीर पर पीली झुंगली पहनाई हुई है, उनका घुटन और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते, उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न भी देखा हो। ये सब जो है उनके वर्णन हो रहा है, उनकी शोभा का वर्णन हो रहा है। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गौती, दंपति परम प्रेम बस कर शिशि चरित पुनीत सियावर रामचंद्र की।
जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। भगवान रामचंद्र की बाल लीला का सुंदर वर्णन किया जा रहा है तुलसीदास जी करते हैं। ए विधि राम जगत पितु माता, कौशल पुरबासिन सुखदाता, जिन रघुनाथ चरण रतिमानी, तिन की ये गति प्रकट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है भवानी, उनकी ये प्रत्यक्ष गति कि भगवान उनके प्रेम वश बाली लाकर उन्हें आनंद दे। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी, जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय माखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख कर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सके। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वो माया भी प्रभु से भय खाती, तो माया भी प्रभु से भय खाती। भ्रकुट विलास नचा वही, अस प्रभु छाड़ी भजई कौ काई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी रही रघुराई। भगवान उस माया को की भौं के इशारे पर नचाते हैं, भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही रघुनाथ जी कृपा करें। यही भी दिशिशु विनोद प्रभु की ना, सकल नगर वासी न सुख दीना, ले उलंग उछंग कब हूँ कहल रावे, कब हूँ पाल ने घाल छुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल कृपा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्य जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाते झुलाते और कभी पालने में लिटाकर झुलाते। प्रेम मगन कौशल्या निसी दिन जात न जान, सुत सनेह बस माता बाल चरित कर गान सिया वरे रामचंद्र की। प्रेम मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती, पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्र का गान किया करती। एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार फलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तो कीना स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया, फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा ने वैद्य चढ़ावा, आप कहीं चह पाक बनावा, बहुरी मात तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं माता वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा के स्थानों में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को भोजन करते हुए देखा। कौन सा भोजन? इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए गए नैवेद्य का भोजन करते देखा पुत्र को उन्होंने। पुत्र को स्नान रामचंद्र जी के स्नान करा था, श्रृंगार करके पालने पर पड़ा दिया था और फिर अपने काम में लग गई थी। कुलदेव के इष्ट भगवान की पूजा के स्नान किया, भगवान को नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई रसोई में, नहीं देखा कि रामचंद्र जी नैवेद्य खा रहे। गए जननी शिशु पही भय बीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता, बहुरी बहुरी आई देखा सुख सोई, हृदय कंप मन धीन न होई। माता भयभीत, माता ने सोचा पालने में सोया हुआ था मेरा बेटा तो रामचंद्र, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। और इस बात से डर कर के पुत्र के पास गई तो बालक को सोया हुआ था देखा, देखा कि पुत्र वहीं के वहीं भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन में धीरज लगा कि इधर पुत्र भोजन कर रहा है, भगवान का नैवेद्य दिखा रहा है रामचंद्र जी बालक, और उधर जाके देख रही तो पालने में सोया भी हुआ। यहाँ हुआ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्कानी। वो सोचने लगी कि मैंने यहाँ वहाँ दो बालक देखे, दोनों बालक देखे,
ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिए श्री रामचंद्र। देख राम मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, सियावर राम चंद्र की जय। अगणित रविशासी शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब बिदिगाड़ी, अति सभीत जो रे कर ठाड़ी, देखा जीवन चावई जाई, देखी भगति जो छोरे ताई। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े करी। जीव को देखा जिसे माया नचाती, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ाती। सबको देखा रामचंद्र जी ने, माया को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया जिसके एक ही क्रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। बलवती माया को भी देखा जो भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी थी। जीव को भी देखा जैसे वो माया नचाती, और फिर भक्ति को भी देखा जो उस जीव को माया से छुड़ाती। तनपुल कित मुख बचन नावा, नयन मूढ़ चर ननि सिरु नावा, विस्मय वंत देखी महतारी, भय बहुर शिशु रूप करारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता, तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्य चकित देखकर खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना, हरिजन नी बहु बिरि समुझाई, यह जन कथम कहाँ से सुनो माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वो डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया, हे माता सुनो यह बात कहीं पर कहना नहीं। माता डर गई उस ब्रह्मांड को रामचंद्र जी का अद्भुत रूप देख के, अखंड रूप देख के। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जनी कब हो व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी, सियावर राम चंद्र की जय। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़ के विनय करती के प्रभु मुझे आपकी माया आप कभी न व्यापे। बाल चरित हरि भविधि कीना, अति आनंद दास कनक दीना, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख पहुंचाने वाले हैं। चूड़ा करण कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार युष कुमारा। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया, ब्राह्मणों ने फिर बहुत दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते थे। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलई चलई पराई, निगम नेति शिव अंत न पावा, तही धरे जननी हटी धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते। जिनकी वेद नेति इतना ही कहकर निरूपण करते हैं, और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हट पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती थी। दूसर धूरी भय तनु आए,
भूपति भी ऐसी गोद में बैठा है, वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और तब राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठाया। दशरथ के कहने पर नहीं आते, माता जाती थी इनको लेने, तब आते। खेलते रहते हैं बच्चों के साथ, भोजन करने की चिंता नहीं रहती। भोजन करत चपल चिता इत उत अवसर उपाय, भाजी चले के लिए कत मुखा दधि ओदन लपटाई सिया वरे राम चंद्र की जय। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल, अवसर पाकर मुंह में दही बात लपटा किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले जाते। बाल चरित अति सरल सुहाय, सारद शेष शंभु श्रुति गाय, जिनकर मन इन सन नहीं दाता, तेजन वंचित किए विदाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया। भय कुमार जब ही संभ्राता, दीन जने गुरु पितु माता, गुरुग्रह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, क्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञ पवित्र संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों समेत गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़ी समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ी है कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है, वे भगवान पढ़ें, भगवान को कौन पढ़ा सकता है, लेकिन पढ़ाया गया। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है, वे भगवान का स्टडी करने जाए, स्कूल जाए, ये बड़ा अचरज है, अद्भुत है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में निपुण है और सब राजाओं की लीलाओं के खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन भी थीन बिर रही सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण धनुष बहुत शोभा देते हैं, रूप देखते ही चराचर मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते और निकलते, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देख कर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते। कौशलपुर बासी नर नारी बद्धरु बाल, प्राण होते प्रिय लागत सब, कहो राम कृपाल सियावर राम चंद्र की। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को, कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी के प्राण, श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले बोलाई, बन मृगिया नित खेल ही जाई, पावन मृग मारही जी जानी, दिन प्रति नृप ही देखा वही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते। क्षत्रिय थे इसलिए वन में शिकार खेलने जाते, क्षत्रिय होने के नाते क्षत्रिय को सिखाया जाता है, जिससे वो राज्य करें, आगे जाके जब राज्य करें तो उन्हें भय नहीं लगे किसी को मारने से। जय मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुनु लोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता अज्ञान सरहि। जो मृग हिरण रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर को छोड़ के देवलोक को चले जाते। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते और माता पिता की आज्ञा का पालन करते। जय विधि सुखी हो पुरलोग, करें कृपा निरसोई संजोग, वेद पुराण सुन ही मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो, कृपा निदान श्री रामचंद्र जी वही लीला कर, वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समाचार करते। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा, आयुष मागी करे कपुर काजा, देखी चरित हर्ष ही मने राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते और आज्ञा लेकर नगर का काम करते। उनके चरित्र देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते।
व्यापक अखल अनीज निर्गुण नाम रूप भगत है तो नाना विधि करत चरित्रा रूप सियावर नाम चंद्र के। जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहाँ में गाई आगे ली कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसे बिकन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम जानकर बसते थे, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि कर रहे अति मारिच शोभा डर ही देखत यज्ञ निचाचर धावई करही उपद्रव मुनि दुख पावई। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे परंतु मारिचो स्वभाव से बहुत डरते। अब आगे कथा कर रहे हैं। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम में जानकर बसते थे, परंतु वहां पे क्या होता था, जहां मुनि जप यज्ञ योग करते थे वहां पे मारीचु स्वभाव से बहुत डरते थे, वो बहुत बड़े असुर। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे, यज्ञ नहीं करने देते थे मुनियों को। गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरिबिन मरेन निशीचर पापी। तब मुनि वर मन कीन बिचारा प्रभु अवतरे हरेन महिन भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता आ गई कि ये पापी राक्षस ये जो हमको मारीच स्वभाव ये हमें यज्ञ नहीं करने देते हैं, ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया। एवं इसे देखो पर जाई करी बिनती आ नौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना सो प्रभु में देख अब भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं, जो ज्ञान वैराग्य और सद्गुणों के धाम है उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार करे मज्जन सरो जल गए भूप दरबार सियावर राम चंद्र की। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरुजी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। विश्वामित्र जी भगवान के चरणों का दर्शन करके दोनों भाइयों को लेने आए थे कि हमको वन में मारीच स्वभाव राक्षस यज्ञ नहीं करने देते, इसलिए वो राम और लक्ष्मण को अयोध्या से लेने आए थे, वन में ले जाएंगे अपने साथ में। तो विश्वामित्र ने सरयू के जली में स्नान किया और बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू के जली में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयो ले विप्र समाजा। तरी दंडवत मुनि सनमानी निज आसन बैठा रहने आने। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठा। चरण पथारी की अति पूजा मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा मेरे समान धन्य आज कोई दूसरा नहीं। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए विश्वामित्र को, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। मुनिचरण ननि में ले सुतचारी राम देखे मुनि दे अभिसारी। भय मगन देख तमुख शोभा जनु चकोर पूरण शशिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया। उन्हें प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर विश्वामित्र मुनि अपने देह की सुधी भूल गए। वे राम जी के मुख की शोभा पाते देखते ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर कूड चंद्रमा को देखकर लुभा गया। तब मन हर्षि वचन कह रहा हूँ मुनि ऐसे कृपा ने की नहीं कहूँ। यही कारण आगमन तुम्हारा
काहू सो कर तन लाभ हूँ बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर यह वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की, आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ, कहिए, मैं उसे देर करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समो सताव ही मोही, मैं जाचन आयमु नपतो ही, अनुज समेत देह रघुनाथा, निश्चर बद में हो बसना था। मुनि ने कहा, राजन, राक्षस के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ, मुझे छोटे भाई सहित रघुनाथ को मुझको दे दो। विश्वामित्र जी क्या मांग रहे हैं? दशरथ से कि लक्ष्मण सहित तुम रघुनाथ को, रामचंद्र को मुझे दे दो। विश्वामित्र दशरथ से मांग रहे हैं, अभी दोनों छोटे बालक ही थे, राक्षसों के जाने जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊं। देह भूप मन हर्षित तजो मोह अज्ञान, धर्म सुज प्रभु तुमको इन कहवती कल्याण, श्यावर राम चंद्र की जय। विश्वामित्र आगे बोलते हैं, राजन, प्रसन्न मन से इन दो को मोह, इनको दो, इनको मेरे को दे दो, मोह अज्ञान छोड़। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। विश्वामित्र राजा से दोनों बेटे मांग रहे, रामचंद्र और लक्ष्मण को, जो अभी बड़े हुए हैं, इसलिए मांग रहे कि विश्वामित्र उनको जंगल में ले जाएंगे, जैसे वो राक्षसों को मारे। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख अति दुति कुमलानी, चौथे पन पाय सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहे विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा, दशरथ राजा का। राम और लक्ष्मण को मेरे को देना पड़ेगा उनको? उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में चार पुत्र पाए, मतलब चौथेपन में चार पुत्र पाए मतलब अभी मैंने इस संसार के, इस मेरे आयु के जो लास्ट हिस्सा है, चौथा हिस्सा है, चौथा है, ब्रस्त ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास, तो अभी मेरा लास्ट हिस्सा चल रहा है, उसमें जाकर तो मैंने बच्चे पाए, आपने विचार कर बात नहीं की। राजा दशरथ विश्वामित्र से बोलते, मांग हो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देह आज सह रोषा, देह प्राण ते प्री कछु नाही, सोई मुनि देहु निमिष एक माही। मुनि, आप पृथ्वी गौ धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा, देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसको भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई, कह निशीचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें से प्रभु राम को तो किसी भी प्रकार देते नहीं बनता, कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनिन रप गिरा प्रेम रससानी, हृदय हर्ष मान माना मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश हुआ। वशिष्ठ जी ने जो उनके कुलगुरु के समझाया कि दे दो तो, नहीं तो विश्वामित्र मुनि नाराज हो जाए। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं, हे मुनि, अब आप भी इन्हीं के पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुत बहु विधि देहि आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाए पत शीश, सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु जो माता के महल में गए और उनके चरणों में शिव नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर हर्षी चले भय मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले।
वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण भी, कारणों के भी कारण है। अरनयन उर बाहु विशाला, निज जलज संतनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कशे भरमा था, रुचिर चाप सायक दुहा था। भगवान के लाल नेत्र हैं, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकश हुए, दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण। ऐसे भगवान जा रहे हैं अभी विश्वामित्र के साथ में, राम और लक्ष्मण जा रहे हैं। दशरथ के हृदय किस तरीके का हो गया उन्होंने दोनों को देख लिया। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु भ्रमण्य देव में जाना, मोहिनी ते पिता तजेव भगवान। श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे कि मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं, मेरे लिए भगवान अपने पिता को भी छोड़ दिया मेरे लिए। चले जात मुनि दीन देखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करी धाई, एक ही बाण प्राण हरि ली दिल लीना, दीन जाने ते ही निज पद दीना। मार्ग में चलते मुनि ने ताड़का को दिखलाया। अभी विश्वामित्र मुनि उनके जंगल में ले गए और देखो ताड़का राक्षसी जा रही, शब्द सुनते ही वो क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको अपने निज, उसको जो है अपने निज पद, अपने धाम पहुंचा दिया। तब ऋषि निज नाथ है जी चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, जाते लाग ने क्षुदा पिपासा, अतुलित बलतम तेज प्रकाशन। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश है। विश्वामित्र को पता था ये तो भगवान है, फिर भी अपनी विद्या का भंडार समझते उन्होंने उनको ऐसी विद्या दे दी जिससे राम लक्ष्मण भरत शत्रु उनको और सीता को भूख, और राम लक्ष्मण को भूख प्यास नहीं लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश। आगे आयुध सर्व समर्पी के प्रभु निज आश्रम आन, कंदमूल फल भोजन दीन भगति तजान सिया वर राम चंद्र की जय। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुमक जाई, होम करण लागे मुनि झारी, आप रहे मठ की रख बारी। सबरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा कि आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। सबरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा आप निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और श्री राम जी यज्ञ की रखवाली करने लगे। सुनि मारिच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनुफर बान राम ते हिमारा, सत जोजन का सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारिच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री रामचंद्र जी बिना फल वाला बाण उसको मारा जिससे वो 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पास जाके गिरा। मारिच बोलते हैं वहां जाके गिरा जिसका नाम आजकल मारिशस हो गया, वहां जाके गिरा 100 योजन 800 माइल। पावक सर स्वभाव पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संघारा, मारी असुर तिज निर्भयकारी, स्तुति करें देव मुनि झारी। फिर स्वभाव को अग्निमाण मारा। उधर छोटे भाई लक्ष्मण ने भी राक्षसी की सेना का संघार कर दिया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि उनकी स्तुति करने लगे। तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन परदाया, भगति है तो बहु कथा पुराना, कहे विप्र जदपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन रखकर ब्राह्मणों पर दया की और भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएँ कही, यद्यपि भगवान प्रभु तो सब जानते थे कथा। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देख ही जाई, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल ना था, हर्ष चले मुनि बर के साथ,
तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभो, मुनि ने आदर पूर्वक समझा के कहा, प्रभो चलो एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चल दिए। मुनि ने बोला, अभी चलो सब राक्षसों को मार दिया, मैं आपको एक अद्भुत जगह ले चलता हूँ जहाँ पे धनुष यज्ञ हो रहा। रामचंद्र जी चल दिए विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण। आश्रम एक दिख मगमाही, खगमग जीव जन जंतु तहनाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेष। मार्ग में एक आश्रम दिखाई दिया, वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, ये पत्थर की शिला किसकी? तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर सिया मरे राम चंद्र की जय। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शाप वस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरे से अपने आप को चरण कमलों की धूली, आपके चरण कमलों की धूली चाहती, वो पत्थर के रूप में है, उसको श्राप मिला था अपने पति से, हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। तो आगे बोलते, पारिषत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोरी रही। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चर नहीं लागी, जुगल नयन जल धार पई। श्री रामचंद्र जी के पवित्र शोक का नाश करने वाले चरणों का स्पर्श करते से ही वो सचमुच वो तप मूर्ति अहिल्या प्रकट हुई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वो हाथ जोड़कर सामने खड़ी रही। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित तो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते। वह अत्यंत बड़ भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। धीरज मनुकीन धीरज मनुकीना, प्रभु कहीं चीना, रघुपति कृपा भगति पाए। अति निर्बल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराय। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, राम निर्पुजन सुखदाय। राज विलोचन भव भय मोचन, पाई पाई सर नहीं आए। कृष्ण मन में धीरज करके अहिल्या ने प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की अहिल्या ने रामचंद्र जी की। अहिल्या ने कहा, वह ज्ञान से जाननी होगी रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं आज की मैं अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना, अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, ई लाभ शंकर जान। बिनती प्रभु मोरी में मति बोरी, नाथन माहु बराना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो अहिल बोलती है, मुनि ने जो मुझे श्राप दिया था बहुत अच्छा ही किया, मैं उसे उनकी कृपा मानती हूँ जिसके कारण मैंने संसार छुड़ाने वाले हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी अपना सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। मैं प्रभु में बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही मांगती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जही पद सुर सरिता, परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीश धरी, सोई पद पंकज जही पूजत जम, सिर धरे कृपाल हरि। ऐ भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परि, ज्योति मन भावा सोबर उपावा, गे पति लोकानंद भरि। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई है, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया है, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर, जो महुन को मन को बहुत अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली, जहाँ पे पति गए थे उस लोक को चली। इस तरह अहिल्या का उद्धार हुआ। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते भजो छाड़ी कपट जंजाल, सियावर राम चंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु हैं और बिना कारण ही दया करने वाले,
तुलसीदास जी कहते हैं, मन तो कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। ऐसे रामचंद्र का भजन कर जो दीन बंधु है बिना कारण दया करने वाले। इस तरह से रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर और मिथिला की तरफ जाते हुए रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया। इसके आगे के प्रसंग आगे के आगे क्या होता है, धनुष यज्ञ कैसे होता है, ये हम कल की कथा में सुनेंगे। आज समय हो गया है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। आज की कथा का हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री रामचरित मानस की जय। श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान की जय। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।